ये हमने कैलकुलेटर टेबल बनाया है यहाँ पर, ये देख सकते हैं 2.5 फुट की हाइट दी है हमने इसकी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 2.5 फुट की हाइट है, ये कैलकुलेटर टेबल बनाया हमने, देख सकते हैं आप, ठीक है, ये देख सकते हैं नीचे से हमने 2 फुट की हाइट दी है, यहाँ से यहाँ तक 2 फुट की हाइट दी है और नीचे से ये कंप्यूटर के सेक्शन बनाए हमने, एक ड्रॉअर दी है इसमें, बंद कर, एक पल्ला दिया यहाँ पर, यहाँ पर हमने काउंटर मतलब कुर्सी रखने के लिए यहाँ पर एक वो दिया है हॉल, जो कंप्यूटर के कनेक्शन जाएगा यहाँ से, और फिर इसके यहाँ से हमने तारे दिए, यहाँ से ऐसे ही इसका दिया है हमने दूसरे का भी, यहाँ से भी हमने कंप्यूटर कैसे दिया है, ठीक है, यहाँ से हमने 3 ड्रॉअर दिए इसमें बी सेंटर में, ये देख सकते हो, और यहाँ से हमने यही दिए, ठीक है, बंद कर, एक पल्ला दिया यहाँ से, बंद कर दे, देख सकते हो इसकी हमने यहाँ से यहाँ तक 2.5 फुट की हाइट दी है, फिर यहाँ से 2 फुट दिए और यहाँ से 7 इंच की या 6 इंच की, 7 इंच की आप रख सकते हैं, सेल्फ ओपन शेल्फ रख सकते हैं, और काउंटर की हाइट है यहाँ से ज़मीन से यहाँ तक 30 इंच ही है, 30 इंच से ज़्यादा नहीं लेनी है, 30 इंच की हाइट ठीक होती है, बढ़िया, और ये 23 इंच का हमने बाहर निकाला है इसको, टॉप इसका 24 इंच भी रख सकते हैं आप इसको, ऐसे देख सकते हैं आप कंप्यूटर टेबल, बेस सेंटर में 3 ड्रॉअर दिए हमने, और एक पल्ला और एक ड्रॉअर, और ऐसे ही यहाँ पर दिए, ये देख सकते हैं आप, इसमें ऊपर से हमने खाली रखा है, इस पर कुछ भी चीज़ें रख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे से बना है, ऊपर का ये है, यह नीचे से बना है, इस ऐसा टेबल बनाने के लिए हमें फोन की कर सकते हैं आप, ये देख सकते हैं, ये देखिए आप, बिल्कुल बढ़िया बना है,